हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को, भाई को जो मेरे मेरी वीडियो देखते हैं, भाई को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है। ये आपको पता है कि हमारा पंजाबपुरी के अंदर हम किचन के वार्डरोब पे ये काम करते हैं। तो ये किचन एक हमने लगाया है अनंडस का मेन अड्डे के साथ ही, ठीक है, वहाँ पे ये हमने किचन लगाया है। ये हमारे भाई हैं, उसको गेम होते हैं कामरान भट्ट साहब हैं, तो बरादरी भाई हैं। तो वैसे भी काम हमको पता है कि हम अच्छा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है, एक नाम के लिहाज से हमारा काम चल रहा है और कुछ चीजें भी बना के दे रहे इस तरह की, जिस वजह से नाम को बरकरार रखा हुआ है। ये किचन का व्यू देखें, इस किचन के मेजरमेंट भी आपको बताते हैं और इसका खर्चा भी बताएंगे। ये 6 फुट ऐसे है, ठीक है, यहाँ 7 फुट ऐसे है और 13 फुट यहाँ तक है, इस जगह तक 13 फुट है। तो इसकी जो मेजरमेंट बनती है 130 फुट, इसकी मैच बनती है लास्ट में, इसको आपको खर्चा बनाएंगे 130 फुट का। फर्स्ट स्टार्ट के ऊपर ही हमारा ये इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे उनके साथ हमारे आपको पता है कि दो लोड आते हैं चेक वाले जो हमारे हर किचन में होते हैं, इससे किचन की खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है। डबल डबल चेक लगे हुए हैं, ब्लैक हैंगर्स लगा हुआ है ना, टेपिंग हुई हुई है सारे किचन और ऊपर इसे ऊपर के टॉप के ऊपर प्रोफाइल लाइट लगी हुई है और भी आपने देख लें वो दूसरा लगा हुआ एलईडी वाला। ये गार्डन के ऊपर काफी ज्यादा स्पेसेस है हमारे पास और ये सिंक वाला एरिया, सिंक के ऊपर हमारा प्लेट स्टैंड है ताकि प्लेटें वगैरह जो भी चीजें इसके अंदर आ गई है हमारी। इसके साथ ही हमारा ये जिसपे किचन खत्म हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, और ये साथ ही नीचे सिंक वाले डोर, क्योंकि ये जाली वगैरह लगी हुई है, इसको देख लें आप, इसमें डस्ट और स्मेल वगैरह पैदा नहीं होती इस तरह। ये यहाँ पे बड़े देखचे वगैरह जो इस कैमर के अंदर आ जाते हैं और इसके साथ ही हमारा ये स्पाइस रैक आ गया, देखिए जो हम फूड के स्पाइस रैक बना के दे रहे हैं, और ये हमारे ड्रा 1, 2 और 3, ये 3 ड्रा हमारे हैं और ये एक स्पाइस रैक, ये जो इस तरह का स्पाइस रैक है हम बना के देते हैं। अगर बाजार वाला खरीदना हो जिसे जैसे एक्सेसरीज होती है तो वो महंगा मिलता है 8,000 का वो स्टैंड का। ये आटे के लिए मट्टी भरी हुई है छोटी सी, इसमें थोड़ा सा आटा गर्बन 10-12 किलो, एक ये मट्टी है, एक ये मट्टी है, एक के अंदर चावल आ जाएंगे, एक के अंदर आटा आ जाएगा। और ये हमारा क्या बना है ओवन के लिए, उसके साथ हमारे क्योंकि स्पेसिस के साथ ये किचन बनता है, ये जगह यहाँ तक छूटी हुई थी और ये भी हमने शर्फ लगाई हुई है, इसके अंदर 5 शर्फ लगी हुई है। और ये हमारा लास्ट के ऊपर लाडर आ गया, बड़ा कैबिन लाडर के अंदर 6 लगी हुई है। लाडर के अंदर 2 साइज होते हैं, एक 1.5 फुट मिलता है, एक 2 फुट मिलता है और इस तरह भी 2 साइज मिलते हैं, 6 फुट वाला, 4 फुट वाला। ये 6 जालियां इधर लगी हुई है, 6 जालियां इधर लगी हुई है, इसको आप अपनी मर्जी के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर इसका नहीं यहाँ पे कोई बड़ी चीज आनी हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और अभी आ जाती है इसकी मेजरमेंट और इसकी खर्चे की बारी, इसमें जो जो चीजें हम लगा भी देते हैं, हम पहली बात तो ये कि हमने आपको बताया कि 13 फुट ये ऐसे है और 7 फुट ऐसे है, ये 20 फुट ऐसे का निर्माण हुआ है। इसी से की जो मैश है इस किचन की बन रही है 120 फुट, क्योंकि ये वाटर भी लगा हुआ है इसमें, प्रोफाइल लाइट भी लगी हुई है। इस किचन का जो खर्चा है हमारा 2,60,000 रुपया है एक्सेसरीज के बगैर, एक्सेसरीज की अगर कीमत डालें तो ये बन जाता है 1,00,000 रुपया खाली एक्सेसरीज का बनता है इसमें अंदर, इसके अंदर प्रोफाइल लाइट भी है, ये बन जाता है 3,60,000 रुपये का। ये किचन ऐसे इसके अंदर एक लाडर लग जाएगा, ये हुड लग जाएगा, ये प्लेट स्टैंड लग जाएगा, ये 3 एक्सेसरीज लगा के, ठीक है, ये 3,60,000 रुपये का ये किचन हमारा रेडी हो रहा है। तो आप ऑनलाइन जैसे भी ऑर्डर देना हो, एक कम से कम 1 महीने का हमारा वक्त होता है, 1 महीने पहले आपने बुकिंग करवानी होती है, तो हम आपके जैसे आपका नंबर आएगा हम आपको किचन रेडी करके देंगे, ठीक है। ये देख लें किचन की लुक, अल्हम्दुलिल्लाह नाम बोलता है काम बोलता है, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, जो जो दोस्त देखते हैं पसंद करते हैं भाई के काम को, बहुत शुक्रिया।